क्या आपको ये पता था? किसी को पता था ये बात है कि बारात आज के समय में बारात क्यों जाती है? वो परंपरा हो गई, लेकिन उस समय बारात नहीं थी। उस समय क्या थी? बहन बेटियों की रक्षा, सुरक्षा कि हमारी जवान बेटी है कहीं इसके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन कैसे आया? पहले बहन बेटियों को सिर्फ चूल्हा और चौकी और बिस्तर, तीन के सिवा कुछ नहीं था। या तो चूल्हे पर रोटी बनाएगी, या घर का काम करेगी, या इंसानों का खिलौना बन करके रह जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आया। घर में चार थे तो चार लोगों का खिलौना थी एक औरत। रामायण है, महाभारत है, गीता है, देख लीजिए ना क्या था पहले। और पहले परंपरा क्या थी कि ठीक है पति मर गया है तो देवर के लिए, जेठ के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए। क्या आज ऐसा है? आज नहीं। क्यों? क्योंकि पहले किसी को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। पहले हमारी सभी बहन बेटी क्या थी? अनपढ़ थी। और उनको क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता था? क्योंकि ये पढ़ जाएंगी तो अपना अधिकार मांगना शुरू कर देंगी। क्योंकि ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान तो किताबों में है। अब जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है आज भी उनकी जिंदगी नरक है। जो पढ़ लिख गई है वो कहीं भी अपनी नौकरी कर लेती है, दो अक्षर लिख करके कहीं एप्लीकेशन दे देती है, कहीं पुलिस थाने में यदि कोई मार रहा है, पीट रहा है, शोषण कर रहा है तो एक एप्लीकेशन दे देती है, उसको खिंचवा देती है, उसकी अकल ठिकाने कर देती है कि मैंने तेरे बराबर की। तो ये किससे आया? ये आया कि शिक्षा का जो ज्ञान उस समय दिया गया, यदि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, उनका आरक्षण नहीं होता। आज राजनीति में भी इंदिरा गांधी जी का नाम सुना है? क्या बनी वो? प्रधानमंत्री। देश की प्रधानमंत्री जब एक औरत बन सकती है। प्रतिभा पाटिल का नाम सुना? कौन थी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। पूरे देश की एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है। झांसी की रानी सुना? बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी। कौन थी? कितनी हिम्मत करके दिखाई। अरे तुम घर में जब पिटते ही रहोगे कि शराब पी करके आ गया और दो मुक्का उधर से दिए, दो मुक्का उधर से दिए, और तुम गिर गए, तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और तुम फिर भी क्या है? पति। अरे कहे का पति? पति किसे कहते हैं? पति मारने पीटने वाले के पद, मारने पीटने वाला पति होता है, पति होता है जो हमें समझ ले, जो हमें समझ ले, जो हमारी इज्जत करे, हम उसकी इज्जत करें, वो हमारे परिवार की इज्जत करे, हम उसके परिवार की इज्जत करें, दोनों की इज्जत साझा हो, वो पति है। पति वो नहीं है जो घर के बर्तन और भाड़ों को बेच दे, जो जेवर को निकाल कर ले जाए, बाहर दारू पी करके आ जाए, जुआ में उनको हार जाए, सट्टे में कहीं लगा आए, या दो पैसे की नौकरी ना करे, वो नहीं। तो इसमें परिवर्तन क्या आया? आज परिवर्तन, आज महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि आज वो अपने अधिकार और कर्तव्य की बात करती हैं। यदि किसी का पति दारू पीता भी है तो महिला कहती है कोई बात नहीं, मैं कमा के खिला दूंगी, तू घर से बाहर मत निकल, गंदे लोगों के साथ तू बाहर देसी दारू मत पी करके आ, तूने पीनी है, मैं कमा के लाऊंगी, घर में बैठ, बच्चों को मत मार पीट कर, मुझे मार पीट मत कर, मुझे संतुष्टि से रोटी कमाने खाने दे, मैं संतुष्ट कर।